इस वक्त हम अपने राजा ढाबा पे और हम अपने मेहमानों से मिल रहे हैं जो हरियाणा करनाल से आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, और इनमें से कुछ साथी हमारे दिल्ली से भी आए हैं। इनसे अभी बात कर लेंगे, इनको कैसा लगा और ये यात्रा के लिए आए हैं। आपको याद होगा कि आजकल हमारे श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है पिछले 4 दिनों से, और भोले बाबा के दर्शन के लिए हमारे पूरे देश के लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी भीड़ कम है क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट हुई है, अब भीड़ बढ़ जाएगी। ये है गाइज हमारे भाई लोग, ये हमारे भाई लोग हैं और इनसे हम मिलेंगे अभी, इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लगा यहाँ पे आके पहली बार कश्मीर आ रहे हैं। तो जी भाई, आपका गुड नेम? मेरा नाम रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी जी जी, आप कहाँ से भैया? हम करनाल से आए हैं जी, और हमारे सारे दोस्त हैं दिल्ली से आए हैं। तो पहला टूर है आपको कश्मीर? नहीं, मेरे को 28 साल हो गए आते हुए। 28 साल यात्रा के लिए आते हुए? यात्रा जाते हुए। तो यात्रा के अलावा कभी कश्मीर घूमने आए हो? नहीं, कई बार आए कश्मीर घूमने के लिए, पर आज जो मज़ा आया खाना खाने का वो कभी नहीं आया। आपने खाना दिल से खिलाया है। और कहाँ पे आपने खाया? कंगन में जी, राजा ढाबा पे, पहले वाले राजा ढाबा पे। तो अभी कुछ कहना चाहते हो, कोई संदेश देना चाहते हो कि जो आना चाहते हैं, जो यात्रा पे भाई आ रहे हैं, कंगन रुक के राजा ढाबा पे आए और खाना खाएं, पता चलेगा खाना क्या होता है और प्यार क्या होता है। ये खाने के साथ प्यार फ्री दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप कहना चाहते हो कि जो यात्रा के लिए अभी तक नहीं आए उनको कि कश्मीर आओ, यात्रा करो, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, घर से निकले, यात्रा पे आए, देखें ये हमारे भाई हैं। कोई टीवी पे दिखाया कुछ और जाता है, पर यहाँ पर वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर लोग एक दूसरे भाईचारे से रह रहे हैं और भाईचारे से ही सब कुछ हुआ है। जम्मू से लेके हम यहाँ तक आए हैं, इतने प्यार से रखते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। घर से निकलिए, यात्रा पर आइए और घूम फिर के जाइए। भाई कश्मीर आप घूमने आए हो? हाँ, कई बार आए, पर इधर नहीं। अगर कश्मीर घूमने आएंगे तो श्रीनगर तक रुक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पत्नीटॉप चले गए, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमार्ग तो कई बार आए हैं, पर जब ठंड होती है फिर तो इधर आया नहीं जाता ना। लेकिन बर्फ़ में यहाँ पे आके कुछ अलग ही मज़ा आता है। ये देखो जी, बर्फ़ में पहले ठंड मारी हुई तो बहुत होती है, और ठंड में इधर ज़्यादा होती है जी जी, पर लोग आते हैं। अरे सनी भाई यहाँ कैमरा लेके बैठे हुए हैं ताकि ये भी शायद वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल के लिए। तो ये है सनी भाई और ये हमारे साथ में बाकी साथी है, और बाहर से आप देख सकते हो यात्रा जा रही है जो इस वक्त की कार्रवाई है, आज की जो 2 बजे यहाँ से जाती है। और ये हमारे दूसरे भाई है, इनसे हम पूछेंगे। जी भाई जान, आपका नाम? माई नेम इज़ पीयूष चौधरी। भाई जी देखो, खाना तो हर जगह मिलता है, आप नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, मगर जो राजा भाई का ये नेचर है ना, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत प्यार से बोलते हैं, और कश्मीर के अंदर कोई कुछ भी कहता हो मगर राजा भाई के पास आओ लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए, और सब में भाई मैगी बहुत अच्छी है, आलू का पराठा बहुत अच्छा है। आप लोग की परमिशन है अपलोड करने के लिए? परमिशन है जी, अपलोड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मैंने भाईजान अपलोड करने की परमिशन बोली कि मैं अपलोड कर सकता हूँ वीडियो। अपलोड कीजिए, परमिशन है आपको, आपको पूरी परमिशन है। थैंक यू सर। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से और थोड़ा सा पास कर रहे हैं रोड, अब पहुँचने वाले ही है नज़दीक ग्राउंड के। इस वक्त हम अपने राजा ढाबा पे और हम अपने मेहमानों से मिल रहे हैं जो हरियाणा करनाल से आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, और इनमें से कुछ साथी हमारे दिल्ली से भी आए हैं। इनसे अभी बात कर लेंगे, इनको कैसा लगा और ये यात्रा के लिए आए हैं। आपको याद होगा कि आजकल हमारे श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है पिछले 4 दिनों से, और भोले बाबा के दर्शन के लिए हमारे पूरे देश के लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी भीड़ कम है क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट हुई है, अब भीड़ बढ़ जाएगी। मेहमान जो थे और इनसे हम बात कर रहे थे, करनाल से आए हुए थे, और इनसे बात करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा बोलने का तरीका है, और कश्मीर को जिस तरह इन्होंने ना पुलीट किया कश्मीर को कि कश्मीर कैसे है, कश्मीर के लोग कैसे है। बेशक आप कश्मीर आइए, अच्छी जगह है, घूमो, कोई मना करने की बात नहीं है, कश्मीर में बहुत अच्छे लोग हैं, आप आ सकते हो। इनकी ज़ुबान से हमने इसलिए आपको सुनाया ताकि आपको
ये फील हो कि हाँ हमारे करनाल के हरियाणा के बंदे बोल रहे हैं, ये खाली कश्मीर के बंदे नहीं बोल रहे हैं। तो बाकी भाई आप YouTube चैनल को Facebook पे हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल पे राजा ढाबा कंगन पे, और आप शेयर इस वीडियो को कर सकते हो ताकि ये बाकी लोगों तक पहुँचे और हमारे यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो। टूरिज्म जितना प्रमोट होगा उतना हमारे कश्मीर की यूथ के लिए एक अच्छा फ़ायदा है, एक अच्छी मैसेज है। थैंक यू।